नमस्कार दर्शकों, मैं प्रीति सिंगल K9 मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जय बालाजी स्पोर्ट्स एकेडमी के खिलाड़ियों ने रोस मार्च निकालकर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के खिलाफ आवाज उठाई। हाथों में खेल बचाओ देश बचाओ की तख्तियां लेकर खिलाड़ियों को सड़कों पर उतरना पड़ा। वजह थी 30 सितंबर को उनकी एकेडमी का उद्घाटन प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु द्वारा किया जाना, जिस पर जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने कैप्टन का विरोध करने का फैसला लिया है। रोस मार्च निकालते हुए खिलाड़ियों ने बताया है कि अगर ऐसे में वित्त मंत्री का विरोध होता है तो एकेडमी का उद्घाटन समारोह पूरी तरह से खराब हो जाएगा। संघर्ष के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है। वित्त मंत्री के हाथों से अगर उद्घाटन होगा तो खेलों को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। ऐसे में उनका विरोध करना पूरी तरह से गलत है। सितंबर को कैप्टन अभिमन्यु जी को आने पहुंच रहे हैं। कुछ लोग भाईचारों को बिगाड़ने के लिए ये चाह रहे कि वो ना आए, उसके बहिष्कार कर रहे हैं। तो सभी बच्चों के बाद के भविष्य के लिए हम ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं भाई। उनको आए और पूरा गोहाना पूरा हरियाणा उसका स्वागत करे। ये खेल है, भाईचारा है, तो उसको आगे बढ़ाए और जय हरियाणा जय भारती से ज्यादा कुछ। और मौजूद है विकास जी, जो कि बालाजी एकेडमी के डायरेक्टर है, जिस एकेडमी का उद्घाटन कैप्टन अभिमन्यु 30 सितंबर को गोहाना करने आ रहे हैं, जिसका विरोध जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा किया जा रहा है। एकेडमी के जो सदस्य हैं अपने खिलाड़ियों के साथ गोहाना में शांति मार्च निकाल रहे हैं। आगे क्या नीति है इसके बारे में हम पता करते हैं विकास जी से। आज का हमारा उद्देश्य है यही है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। उस ताकि अपना नाम चमकाने के चक्कर में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाह रही है। और हम उनसे सबसे यही हाथ जोड़कर अपील है कि भाई खेल में राजनीति को ना आने दें, क्योंकि किसी भी मेडल पर जाति या बिरादरी का नाम नहीं होता, उसमें उसकी उपलब्धि होती है। जैसा कि हमें विकास जी ने बताया कि खेल में राजनीति का घुसना बहुत ही दुखदायी पहलू है। खेल का जो खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए एकेडमी की स्थापना की जा रही है, तो इस तरह का जो विरोध जाट आरक्षण समिति द्वारा किया जा रहा है, उसका ये एकेडमी शांति मार्च के द्वारा विरोध करी है। K9 मीडिया के लिए गोहाना से अरुण धूम की रिपोर्ट। K9 मीडिया अब आपके लिए लेके आया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद फुली वायरलेस सिस्टम, जिसके द्वारा आप अपने किसी भी प्रोग्राम को लाइव कर सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक रैली, जलसा, जागरण और स्पोर्ट्स इवेंट।